वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर भारत के गुजरात में एक इंडस्ट्री सेटअप करने का प्लान बनाया, जिसमें वो 1.54 ट्रिलियन पैसे लगाने वाले हैं। इसकी फुल फंक्शनिंग 2024 तक स्टार्ट हो जाने वाली है। वेदांता बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को संभालेंगे और फॉक्सकॉन जो वो टेक्निकल सपोर्ट देगी, क्योंकि ताइवान दुनिया की लीडिंग कंट्री है जहाँ पे कि सेमीकंडक्टर चिप को बनाया जाता है, उसके बाद चाइना और जापान का नंबर आता है। चाइना और ताइवान के बीच टेंशन देखते हुए लग रहा है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो अपना पैर जमा पाए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडिया इसमें बहुत पीछे है और ये आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड इन इंडिया। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस इंडिजिनस इंडस्ट्री इन इंडिया एंड फ्यू कॉन्सिक्वेंस, वी विल डिस्कस दिस इन दिस वीडियो टोटली। सो डू कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, क्योंकि एवरी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे चैनल वीडियोस कंटिन्यूअसली पोस्ट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गुड गुड टॉपिक्स। अहमदाबाद से कुछ ही डिस्टेंस पे अप्रॉक्सिमेटली 400 एकड़ के एरिया पे इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है। सो वहाँ के लोकल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंड इवन जो स्मॉल स्केल अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। गुजरात के बाहर भी ये इंडस्ट्री बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स लेके आने वाली है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग स्टार्टअप और यहाँ पे ऑलरेडी 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स भी डेवलप हो चुके हैं। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन या फिर लॉजिस्टिक्स जैसे स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे जाके इसको स्केल कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। वेदांता प्लान कर रही है कि 2024 में गुजरात में अपने यूनिट को ओपन करने के बाद वो क्लस्टर इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ना चाहती है, यानी कि वो अलग अलग स्टेट्स में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं जहाँ पे स्मॉल स्केल पे वो प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं चिप का। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो जॉब्स बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, या तो आपको BSNL में जॉब करना पड़ता है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो किसी मोबाइल के ऑपरेटर कंपनी में काम करना पड़ता है, और कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर का बहुत अच्छा इंडस्ट्री ग्रो होने वाला है तो। लेकिन कुछ कंसिक्वेंसेज भी आते हैं अपने प्रॉफिट्स के साथ में। इंडिया बहुत ही वीक है मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात कर तो यहाँ पे बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज देखने को नहीं मिलता है। इवन अगर हम लोग बात करें अगर मोबाइल फोन्स की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंपनीज नज़र आते थे लावा माइक्रोमैक्स, लेकिन कुछ टाइम के बाद में बिकॉज ऑफ देयर बैड प्रोडक्ट वो खत्म हो जाते हैं मार्केट से और उनको चाइनीज कंपनी ओवरटेक कर जाती है। तो ये शायद एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी होगा, लेकिन इंडियंस को भी समझना होगा कि वो अपने जितने भी रिसोर्सेज उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके इन बेटर वे। इसलिए एज ए इंडियन हमें थोड़ा इनोवेशन की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फॉरेन कंपनीज बड़ी कंपनीज बना रही होती है वह इंडिया की छोटे कंपनी सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चीप क्वालिटी में बेचने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं मार्केट से। सो अगर हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है तो हमें इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस पूरे इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करो, क्योंकि एवरी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे चैनल वीडियोस कंटिन्यूअसली पोस्ट फॉर डिफरेंट डिफरेंट गुड टॉपिक्स। सी यू सुन, तब तक ले बाय।